पर हाँ वैसे बताना भूल गया, मैं अपनी गाड़ी का निकनेम रखा हूँ गोजीरा। मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है गॉडज़िला, उसका जैपनीज नेम है गोजीरा। ये है मेरा दोस्त गोजीरा। हेलो गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज पहला ही दिन है मेरी गाड़ी के साथ, मैं नई डिस्कवर 2400 डिस्कवर बोलता हूँ डोमिनार 400 डिस्कवर की आदत हो गई है बोलने की। कल रात को 8:30 बजे डिलीवरी हुई गाड़ी की, और एक्चुअली ये गाड़ी रायपुर से आई थी। भिलाई में इसका पीस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो पीस हमें मिला था वो थोड़ा डैमेज था, उसमें प्रॉब्लम थी वो पर्टिकुलर पीस में, तो उस चक्कर में गाड़ी को तो हमें चेंज कराना पड़ा। तो वो रात को 8:30 बजे आई, ना तो गाड़ी का वॉशिंग ठीक से हुआ है, टेफ्लॉन भी नहीं हुआ है। तो अभी पहले सबसे पहले जा रहा हूँ मैं जो सर्विस सेंटर या फिर बोल सकते हैं जहाँ शोरूम में ही, वहाँ पर ही पूरा करके देगा। एक्चुअली सर्विस सेंटर भी वहीं पर है शोरूम में ही, पूरा A to Z चकाचक करके देगा। प्लस कुछ एसेसरीज लगा रहा हूँ मैं गाड़ी में, तो एक तो पहला विंड वाइज़र लगेगा, नकल गार्ड्स लगेगा यहाँ पर, और हैंडल बार रेजर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और थोड़ा लंबा भी जाऊँगा उसके बाद। तो शुरू करते हैं व्लॉग हमारी पहली राइड डोमिनार 400 की। टैंक तो पूरा फुल करा दिया हूँ, कल 11 लीटर भरा था, 2 लीटर ऑलरेडी था इसमें। फ़िलहाल तो जो RPM है 4000 के ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि एकदम नया इंजन है, तो ज़्यादा इस पर लोड नहीं देना है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2000 किलोमीटर्स। चलो पहुँचते सर्विस सेंटर, कराते काम और फिर देखते हैं नया लुक गाड़ी का। गाड़ी अब तक 41 किलोमीटर्स चल चुकी है, कल ही लिया था, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाऊँ तब जाके 41 किलोमीटर्स हुआ है सिटी के अंदर। और 500 to 600-700 के बीच में इसका होगा फर्स्ट सर्विसिंग, तो तब तक के लिए गाड़ी तो यहीं रहेगी भिलाई में। उसके बाद सर्विसिंग के बाद मैं इसको ड्राइव करते हुए ले जाने वाला हूँ थोड़ा लंबा। यहाँ हम पहुँचे अभी AVN बजाज जो डीलरशिप है, और यहीं पर पीछे सर्विस सेंटर भी AC का। कृष्णा भैया
सफाई नहीं, फाइनली थोड़ी सी और एक्सरसाइज के साथ तैयार हो गई है गाड़ी। चलो चलते हैं अब हमारी पहली थोड़ी सी हल्की सी छोटी सी लॉन्ग राइड पे विथ न्यू विंडशील्ड वाइजर, नकल गार्ड्स एंड हैंडल बार रेजर। या ये ला, ये तीन चीज़ें सामान डाला हो इसमें, प्लस वॉशिंग और टेफ्लॉन हुआ है आज, क्योंकि कल रात को डिलीवरी हुई उस टाइम नहीं हो पाया था। तो चलते हैं अब, थोड़ा लंबा सा किलोमीटर कितना हुआ है अभी, 42 किलोमीटर चल चुकी है। चलो फिर सामने से उधर रास्ता नहीं, इधर से जाना पड़ेगा। यार भिलाई में लोग देखते हैं भाई ये गाड़ी मुड़ मुड़ के, मज़ा आ जाता है। तो चलते हैं फिर रायपुर की तरफ, नया रायपुर महानदी उस तरफ जाते हैं थोड़ा सा 40-50 किलोमीटर दूर, और मज़े लेते हैं नई बाइक के। ज़्यादा स्पीड में तो जाऊंगा नहीं अभी फ़िलहाल, नया नया इंजन है, जब एक बार फर्स्ट सर्विसिंग हो जाए उसके बाद चल सकती है फिर ये। चलो इसका मेरे को असर मालूम हो रहा है, क्योंकि जो पहले वाला था जो नॉर्मल स्टॉक वाइजर था तो पूरा सीने पे उसका हवा आ जा रहा था, इसमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो ये बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। जेबी रेसिंग का है, अराउंड 1200 पड़ा मेरे को इसका। और जो नकल गार्ड्स है मंगाए मैंने केरला से मंगाए हैं, एक ऑनलाइन स्टोर मुझे दिखा था वहाँ पर, नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसका मैं मंगाया था, तो नकल गार्ड्स मेरे को ग्रीन वाले ही चाहिए थे, क्योंकि ग्रीन के साथ ग्रीन ही सूट करता है। और हैंडल बार राइजर से भी भाई बहुत फ़र्क समझ में आ जा रहा है गाड़ी का, थोड़ा सा पोस्चर अच्छा हो गया, क्योंकि कल मैं जब चला रहा था बिना उसके हल्का सा पीठ में दर्द हो रहा था मेरे को ज़्यादा देर तक चलाने पर। ज़्यादा देर भी वैसे नहीं चलाया था मैं फिर भी, लेकिन इसमें काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है अभी। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसे रास्ते, ये आपका मुंबई कोलकाता हाईवे है NH6 जिस पे हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम लोग है टाटीवन चौक रायपुर, बहुत ज़्यादा ही धूल लक्कड़ वाला एरिया है, ये कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। और ये है रायपुर का बाईपास रिंग रोड, एक दूसरा टाटीवन चौक से एक रास्ता जाता है बिलासपुर साइड, वो लेफ्ट साइड में जाता है, राइट साइड में हम ये जो रास्ता ले रहे हैं तेली बांधा, रायपुर का तेली बांधा करके एक एरिया है, वहाँ से आगे होते हुए आपका जाता है यही रास्ता संबलपुर होते हुए कोलकाता कोलकाता। तो अभी तो हम लोग इतना दूर नहीं जा रहे, लोग आसपास ही जा रहे हैं। और कॉन्स्टेंट में मतलब मैक्सिमम जा रहा हूँ अभी 75 मैक्सिमम टच कर रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा जा सकती है लेकिन मैं ले जाना नहीं चाहता क्योंकि नया इंजन है एकदम। रिंग रोड का दूसरा एंड तेली बांधा, यहाँ से सिटी के अंदर जाते हैं लोग ये वाला रास्ता, और ये है हाईवे मेन। सामने से एक अगले चौक पे राइट लेने पर एयरपोर्ट के लिए रास्ता जाता है, और नया रायपुर के लिए भी जाता है रास्ता। यहाँ तेली बांधा पे पहले नैरो गेज लाइन हुआ करती थी, अभी जो पीछे एक ब्रिज है दिख नहीं रहा यहाँ से, वो नैरो गेज लाइन को हटा के पूरा उस पर रोड बना दिया गया। कितना 79 किलोमीटर हो गया इसका टोटल। भिलाई रायपुर ज़्यादा बड़े नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी है, एज़ कम्पेयर टू अदर कैपिटल सिटीज उतना बड़ा नहीं रायपुर, बट काफ़ी डेवलप्ड है फिर भी। यहाँ से ये चौक से राइट जाने पर एयरपोर्ट का रास्ता आता है, ये वहाँ से जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स न्यू रायपुर, नया रायपुर, और महानदी तक जाते हैं। महानदी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, उसके ब्रिज तक जाते हैं। थोड़ा चलाना तो है ही वैसी गाड़ी, किलोमीटर इसका 500 करना है। मेरे पापा के बस के तो बात नहीं, क्योंकि बात ये हो रही है कि एक महीना ये गाड़ी रहेगी घर पे मेरे पापा के पास,
तो वो तो सिर्फ अपना ऑफिस जाएंगे, आएंगे वापस, तो दिन का मुश्किल से 20 किलोमीटर रन करेगी गाड़ी, उससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकता मैं। और महीने भर में अगर 20-20 मान के चल लो तो बहुत टाइम लग जाता है, 500। तो इसलिए मैं पहले से इसका थोड़ा सा एटलीस्ट 100-200 कर दे रहा हूँ, पापा को भी आसानी जाएगा, फिर 500 हो जाने के बाद इसका सर्विसिंग भी हो जाएगा गाड़ी का, और सर्विसिंग होने के बाद निकालना है गाड़ी। ये एरिया है नया रायपुर जाने के लिए, पार्क है वहाँ पर, और ये सब ऊपर वाला रास्ता जाता है नया रायपुर की तरफ। हम लोग को तो आगे जाना है, तो अभी नया रायपुर आऊँगा बाद में। छत्तीसगढ़ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है महानदी, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से उसका ब्रिज, वहाँ से क्या है ट्रेन्स भी दिखती है। और जिन लोगों को पता नहीं, मेरा रेलवे चैनल भी है, वो मेरा मेन चैनल है एक्चुअली, मैं रेलवे का, मैं तो रेलवे का उसमें शूटिंग करता रहता हूँ इधर उधर जाके। अब तो बाइक राइडिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये चैनल भी अब ज़्यादा ग्रो करूँगा मैं इसको भी। यहाँ से रेल लाइन जा रही है इस ब्रिज के नीचे से टूवर्ड्स टिटलागढ़ होते हुए, एक टिटलागढ़ से विशाखापट्टनम जाता है, एक जगह पुरी जाता है, भुवनेश्वर पुरी उड़ीसा साइड में, तो उधर से जा रही है रेल लाइन, पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं, उधर है सिंगल लाइन है इलेक्ट्रिफाइड। यहाँ है मंदिर हसौद स्टेशन है यहाँ पर पास ही में, और थोड़ा आगे जाके राइट साइड में आपका थोड़ा अंदर जाने के बाद रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। इतना बड़ा है यार ये ट्रेलर, नवा गांव। यहाँ से कुछ थोड़ी दूर में ही स्टेडियम है जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर का, आईपीएल में दिल्ली की फ्रेंचाइजी थी वहाँ पर कुछ समय के लिए, तो वहाँ कुछ मैचेस हुए थे आईपीएल में, उसके अलावा CL T20 चैंपियंस लीग T20 के मैचेस हुए थे। चैंपियंस लीग का मैच देखने के लिए, मतलब दो मैच देखने के लिए मैं गया था, टिकट प्राइस थी मात्र 100 रुपीज़ दो मैच का, मतलब मैं खुद हैरान था कि इतने सस्ते में कैसे हम लोग मैच देख के आ गए थे। छत्तीसगढ़ में है, मतलब नॉर्मल ही रोड है छत्तीसगढ़ के, उतने भी ख़राब नहीं है जितना मैं महाराष्ट्र में एक्सपीरियंस किया हूँ। MP के रोड काफ़ी बेहतरीन है, कर्नाटका के अलग लेवल पे है। इन कुछ स्टेट्स में मैंने गाड़ी चलाई है, तो महाराष्ट्र के बहुत पहले जब मैं उस बचपन में छोटा था उस टाइम थोड़ा सा महाराष्ट्र के थे अच्छे रोड, बट अब तो काफ़ी ख़राब हो गए हैं हर जगह कंस्ट्रक्शन। हाँ हाईवेज तो सही है, यहाँ पर आप जैसे स्टेट हाईवे देखोगे तो महाराष्ट्र के बेकार है स्टेट हाईवे, लेकिन जो मेन नेशनल हाईवे है वो भी महाराष्ट्र में इतना कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, उसकी भी हालत डाउन रहती है। अभी देखते हैं अगले महीने का प्लान तो है वैसे निकलने का, क्या रहेगा कैसा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में तो नेशनल हाईवे अच्छा है अभी फ़िलहाल, कर्नाटका के इतने प्यारे हैं, मक्खन है एकदम नेशनल हाईवेज। यहाँ कंप्लीट हो जाएगा अभी हमारा गाड़ी का पहला 100 किलोमीटर्स 99 पे है अभी, पता नहीं इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। फाइनली गाड़ी के 100 किलोमीटर्स हो गए कंप्लीट, गुड जॉब। पर हाँ वैसे बताना भूल गया, मैं अपनी गाड़ी का निकनेम रखा हूँ गोजीरा, मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है गॉडज़िला उसका जैपनीज नेम है गोजीरा, तो मेरे निक नेम सबसे बेहतरीन लगा मेरी गाड़ी मेरी बाइक के लिए। ये है मेरा दोस्त गोजीरा। ट्रेन जा रही है राइट साइड में, फ्री ट्रेन मालगाड़ी। यहाँ से अंदर जाते हैं आरंग आता है, और हम लोग थोड़ा राइट साइड जा रहे हैं महानदी की तरफ, बाईपास कर रहे हैं आरंग को। आरंग स्टेशन है, आरंग महानदी स्टेशन दिख रहा है यहाँ से, स्टेशन से थोड़ी दूर पर है महानदी का ब्रिज, ब्रिज है सामने हमारे, तो हम लोग क्या करेंगे ब्रिज पार करेंगे फिर यू टर्न लेकर वापस आ जाएंगे।
क्योंकि इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, अभी यहीं तक थी राइड हमारी। रोड भी काफ़ी अच्छा है, मौसम भी बढ़िया है, हल्का सा ठंडा है, धूप भी खिली हुई है, वो ट्रेन भी है जहाँ से निकल रही। यार अगर उससे पहले पहुँचते हैं ना ट्रेन से तो आपको दिखाता मस्त शॉट आ रहा है यहाँ से। वैसे मेरे पास तो कुछ है नहीं शॉट जिससे ले सकूँ मैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, महानदी रिवर अब आगे से कहीं से यूटर्न, हाँ यहीं पर है शायद यूटर्न का। अब यू टर्न लेना पड़ेगा। ट्रेन भी आ गई यहाँ पर, लोकोमोटिव। ये ट्रेन हम लोग कहाँ से, लखौली से हम लोग शायद साथ में चल रही है। यह पुराना वाला भी एक ब्रिज है, ये नया ब्रिज बना हुआ एक्चुअली। ये देखो ट्रेन, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, चली गई। तो ये तो है महानदी तक का सफर। अब चलते हैं यहाँ से रिटर्न। तो गाइज अभी हूँ मैं रायपुर में, यहाँ एक फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था तो निकलने में अभी टाइम लग गया। और अभी यहाँ से निकलूँगा तो एग्जैक्टली यहाँ से मेरा घर पड़ता है 45 किलोमीटर्स के अराउंड, 45 इस पर्टिकुलर पोजीशन से। तो ऑलमोस्ट एक घंटा तो लग ही जाएगा पहुँचने में, हाईवे है, हाईवे से जाएंगे। बट पूरे छत्तीसगढ़ में मैं बोलूँगा ना तो हाईवे का कोई भी सेक्शन जो सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रहता है, मतलब इतनी गाड़ियाँ रहती है जैसे लगा आप किसी बड़े सिटी में चला रहे हो ऐसा लगेगा आपको, वो रहता है आपका रायपुर से दुर्ग के बीच में, बस वही पर्टिकुलर 35-40 किलोमीटर्स का सेक्शन। बाकी आपको पूरा हाईवे छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में खाली मिलेगा। ये स्टेज इतना भरा हुआ रहता ना क्या बोले। तो ये है आउटर रिंग रोड तेलीबांधा के जस्ट पहले वाला। भिलाई दुर्ग सामने, रायपुर सिटी अंदर। अभी ग्लव्स भी निकाल लिया हूँ, मन नहीं कर रहा था ग्लव्स पहन के चलाने का, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। और ग्लव्स भी क्या थोड़े नॉर्मल वाले, एकदम प्रोफेशनल वाले नहीं है, अभी के लिए ख़रीदा हूँ मैं। तो चलाने में सेफ्टी है, कंफर्ट उतना नहीं बोल सकता मैं। ये है ताटीबन चौक, यहाँ रिंग रोड ख़त्म होता है। और ये जगह रायपुर की सबसे घटिया जगह है फ़िलहाल। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ से चार जगह जाता है रास्ता और एक भी रास्ता भी सही हालत पर नहीं है। सब इतना धूल लक्कड़ गड्ढे है इसमें, रास्तों में भी हालत ख़राब हो जाती है यहाँ चलाते चलाते। और सोचो जो इनका आसपास यहाँ पर दुकान है उन लोग का क्या होता होगा। तो धूल से बचाने के लिए इन लोग को ढक के रखना पड़ता है, दिख ही रहा है। हमें तो ऐसे सीधा जाना है, कहीं इधर उधर मुड़ना नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और बाइक है तो इधर उधर से निकल जाती है। अब यहाँ से है अराउंड 28 किलोमीटर्स घर। और ये सेक्शन यहाँ से 28 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले है, हद ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी इसी सेक्शन में होते हैं, इसी सेक्शन में। यहाँ पर ये है खारून नदी रिवर। टोल प्लाजा ये भी एक जगह है, यहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता था, अभी जब से फास्टैग लगा है ना, स्टार्ट हुआ है, तो तब से ट्रैफिक फिर भी कम रहने लग गया है। बाइक्स तो अपना क्या फ्री में जा सकती है, कार्स का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है।
उसके सामने एम्बुलेंस है। तो फाइनली जाम मिल ही गया एज एक्सपेक्टेड, और काफ़ी लंबा लग रहा है ये जाम। अभी क्या पूरा रास्ते पर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उस चक्कर में और जाम लग रहा है। निकालो अंकल, निकालो निकालो निकालो, ओ अंकल निकालो ना, बहुत ज़्यादा बड़ा जाम है यार। और इस साइड में वो अपोजिट साइड में नहीं है, फ्रॉम रायपुर टूवर्ड्स भिलाई दुर्ग और जी रोड के, ये जो पूरे छत्तीसगढ़ में बस यहीं पर आपको जाम मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बिजीएस्ट रोड है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का। ये रायपुर सिटी के अंदर आपको इतना जाम नहीं मिलता जितना कि सिटी के बाहर इस रोड पे मिलता है। और बाइकर्स तो इतने सारे यहाँ पर, आधे से ज़्यादा तो हेलमेट भी नहीं पहने। चलो फिर निकलते हैं इस जाम से कैसे भी करके, चलो कुछ तो कर चल रहा था शायद यहाँ पर। फाइनली थोड़ा बहुत जाम क्लियर हुआ थैंक्स टू ऑल द ट्रैफिक पुलिस। फाइनली ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मेरे को खाली रास्ता मिला, ये जाम वगैरह पीछे एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन के कारण ज़्यादा हो गया था। तो फाइनली आज के आज 200 किलोमीटर्स भी कंप्लीट हो गए गाड़ी के, वाह। और यहाँ एक भाई साहब बाजू में, भाई प्लैटिना भगा रहा है भाई, 70-80 पे प्लैटिना भगा रहा है, क्या लोग है, वो भी बिना हेलमेट के। निकल जा भाई निकल जा, जितने भी बेचारे प्लैटिना को, अपने तो को रेस नहीं करना, अपना तो ये नॉर्मल स्पीड था गाड़ी का। भाई होते हैं भाई बंदे, किसी भी गाड़ी को, प्लैटिना जैसी गाड़ी को भगाते। सुबह भी एक मिला था मेरे को जब मैं जा रहा था, तो वो भी प्लैटिना को 70-80 भगा रहा था। मैं यही सोचता हूँ नन्ही सी जान है भाई प्लैटिना, क्यों क्यों वाह क्यों कर रहे हो गाड़ी के साथ ऐसा। सो फाइनली हम लोग अभी पहुँच गए भिलाई। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, पहली राइड एक दमदार गाड़ी के साथ। भाई कोई कुछ भी बोले, मुझे तो पसंद आ गई है गाड़ी, और आई एम नो डाउट मैं खुश हूँ अपनी चॉइस से। वैसे 4 साल से मेरी इच्छा थी इसी बाइक को लेने की, और फाइनली फुलफिल हुई आज, आई मीन कल। तो चलो फ्रेंड, व्लॉग को अभी मैं यही ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हम जब भी बनेगा, पता नहीं कब बनेगा अभी। तो जब भी बनेगा मैं आपको नए किसी सफ़र पे ले जाऊँगा। ओके देन, थैंक यू फॉर बीइंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग दिस फार इन द वीडियो। सो थैंक्स ऑल वंस अगेन, और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब टू योर चैनल। ओके चलो बाय।